चार मीटर पर एक ग्रे मार्कर है, फिर हर 10 सेंटीमीटर पर एक सफेद है। पेड़ कितना लंबा है? ठीक है, लिख लो। फरवरी 2016 में माइक्रोबायोलॉजिस्ट एरिका कोथे ने ऑल्डर, बीच और विलो के करीब 200 पेड़ इस पुरानी यूरेनियम खदान के इलाके में लगाए थे। यहाँ की मिट्टी भारी धातुओं से प्रदूषित है। अगर यहाँ पेड़ बढ़े तो कुछ सालों बाद उन्हें ईंधन के लिए काटा जा सकता है। हालांकि इस तरह की मिट्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप इसे मिट्टी नहीं कह सकते, स्वस्थ मिट्टी अलग दिखती है। यूरेनियम खदान बंद होने के बाद यहाँ ताजा मिट्टी बिछाई गई, लेकिन फल और सब्जियां उगाना अब भी दूर की कौड़ी है। मिट्टी के अंदर बहुत सारी जड़ें हैं, जिससे पता चलता है कि पौधों को ये इलाका पसंद है। और एक बार ये यहाँ गहराई तक पहुँच जाएं, तो नीचे पिछले हिमयुग में जमा बालू है और यहाँ पर आपको जड़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पीएच कम है, जो पेड़ों को खास पसंद नहीं। कम पीएच वैल्यू का मतलब है कि मिट्टी अम्लीय है। ऐसे वातावरण में मिट्टी में मौजूद भारी धातुएं विघटित हो जाती हैं और रिसकर भूजल में चली जाती हैं, फिर पेड़ उन्हें सोख लेते हैं। हम अपने प्रयोगों में इसलिए थोड़े से चूने वाली मिट्टी मिलाने की कोशिश करते हैं, उससे पीएच संभल सकता है ताकि पेड़ों को बेहतर परिवेश मिले। यानी मिट्टी को पोषण दिया जाता है। लेकिन जर्मनी की येना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सिर्फ यही नहीं करते, वो भारी धातुओं को मिट्टी में ही बांधे रखने और उन्हें फिर से ठोस बनाने के लिए फंगी का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति में पेड़ों और फंगी के बीच करीबी रिश्ता है। फंगी फिल्टर की तरह काम करके पेड़ों तक पानी और खनिज लाते हैं। जो चीज फंगी के जरिए नहीं पहुंची होगी, पेड़ उसे नहीं सोखेंगे। तो यहाँ फंगी के होने से कम भारी धातुएं पहुंच रही हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीवी क्रिया बढ़ाने के लिए रिसर्चर हर साल खास तरह के सूक्ष्म जीव यहाँ डालते हैं। जंगल में आपको खास तरह की फंगी खास तरह के पेड़ों के नीचे मिलेगी। कुछ मामलों में तो ये जाहिर है, जैसे लार्ज बुलेटे या बिर्च पोलिपोर में। तो हमें ऐसे मशरूम के बारे में पता करना है जो इस पेड़ से संपर्क साध पाए। अभी तक उनके ऑल्डर पेड़ के साथ किए प्रयोग सबसे अच्छे रहे, बिर्च के साथ ठीक ठाक, तो वहीं विलो के साथ नतीजे खराब रहे। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये बदल भी सकता है, इसीलिए टीम अपना शोध जारी रखे हुए है। भले आप किसी खेत को ना जोतें, घास फिर भी उगाएगी, लेकिन प्राकृतिक घास के मैदान जैसा परिवेश बनाने में माइक्रोबायोलॉजी को करीब 40 साल लगते हैं। इसलिए अगर हम यहाँ सूक्ष्म जीव डाल रहे हैं, तो नए वातावरण के हिसाब से ढलने में माइक्रोबायोलॉजी को लगने वाले 40 साल हम बचा रहे हैं। लेकिन इस मिट्टी में उगने वाले जो मशरूम जहरीले नहीं हैं, वो भी जमीन में मौजूद भारी धातुओं की वजह से खाने लायक नहीं हैं। जब फंगी विघटित होती है, तभी दूषित पदार्थ निकलते हैं। हालांकि इतने ही जितना पेड़ सह सकें।